बुद्ध के समय में वो अनाथ पिंडिक महाजन कहां श्रावस्ती में रहने वाले, कहां राजगिरी जाते समय बुद्ध से मिलते हैं। बुद्ध स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहां महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सु आख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः छत्रपति संभाजी नगर स्थित जय भवानी नगर में जो भीम सेवा संघ बुद्ध विहार है, यहाँ पर बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है 3 महीना ग्रंथ वाचन समारोह तथा भी वर्षावास समारोह समापन का कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ आप लोग वैसा ही कहते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवन्तं अभिवादेमि स्वखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। शील प्रार्थना आप लोग करेंगे ना, ओकास वन्नामि बनते, हाँ एक ही साथ जोर से बोलिए। मंते
यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वीरमणिः सिक्खापदं समादयामि दान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। जय भीम सेवा संघ बुद्ध विहार के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। बुद्धवाणी परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। सभी जन हाथ जोड़ के ही बैठे हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस सुनन्तु सगमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्म श्रवणकालो
अयं वदन्ता परितदम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचारणसम्पन्नो सुगतो लोकभेदो अनुत्तरो पुरुषधर्मसारथि साक्षादेव मनुष्यानां बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितेको अकालिको येहि पाशिको उपनायिको पचतं वेदिताब्बो वन्यो हेते सुपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो सुपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामिचिपातिपन्नो भगवतो सावकसंगो यतिदं चत्तारि पुरुषयुगाने अथा पुरुषभोगला एष भगवतो श्रावकसङ्गो नाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यक्षेतं लोकसाते एतेन साच्चवचेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साच्चवचेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन साच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्दं सन्दं पदं अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमाने छन्दो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे सान्देन्द्रियो तनिपको च अपगब्भो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चि येन विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचि पानभूता ते दशा वा तावरा वा अनवशेषा दीका वा एव महन्ता वा मच्छिमा रसकानुकतुला दित्ता वा एव आदित्ता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेषि वा सभे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुभेता नाति मन्येत कातचिनं कञ्चि व्यारो सनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माताय तानियं भूतं आयुषाये कपोतमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमानं मेतं च सर्वलोकास्मिं मानसं भावये अपरिमानं उद्दङ्गतो चतिरियं च असंवादं कवेरं असपातं
अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे ना हाँ, धम्म देशना सुनने के लिए तीन बार साधु साधु बोलिए। पुण्यं चे पुरिशो कैरा कैरा ते तं पुना पुनं तं मिचंदं कैरात सुखो पुण्या सौचयो असेवना च बालानं पांडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमोत्तमं। महाकारुणे तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीम सेवा संघ बुद्ध विहार में उपस्थित तथापि बुद्ध टीचिंग चैनल द्वारा प्रत्यक्ष देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, एक समय कोई व्यक्ति महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आते हैं, भागा भागा आते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है। क्या कहते?
भगवान मुझे तम देशना सुनना है। तथागत बुद्ध कहते हैं अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। फिर वो चला जाता है। फिर बाद में आते हैं, भागा भागा आते हैं और कहते हैं भगवान मुझे तम देशना सुनना है। भगवान बुद्धा वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं उपासक आज नहीं कल सुनाऊंगा। ठीक है, वो वापस जाते हैं। फिर कल को भगवान बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है। भगवान बुद्ध फिर से वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं उपासक आज नहीं कल सुनाऊंगा। तो ऐसे दो चार बार होने के बाद वो उपासक कहते हैं भगवान मैं आपके पास बार बार बारंबार आ रहा हूँ तम देशना सुनने के लिए, प्रार्थना कर रहा हूँ और आप है कि तम देशना नहीं दे रहे, कृपया करके मुझे तम देशना दीजिए। फिर तथागत बुद्ध उनको समझाने के लिए ठीक है उपासक ऐसा करो, सबसे पहले दो गिलास पानी लेके आओ, बस इतना मैं अभी लाता हूँ। तुरंत दो गिलास पानी भर के बुद्ध के पास रख दिया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक अभी ऐसा करो कि एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। वो उपासक देखते रहते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं उपासक समझा नहीं क्या, जो एक गिलास का पानी है दूसरे गिलास में डाल दो। अभी दूसरा गिलास में क्या था, भरा हुआ ही था, वो खाली थोड़ी न था। तो उपासक कहते हैं भगवान ये आप क्या कह रहे हैं, दूसरा गिलास भी भरा हुआ है, अगर वो गिलास में दूसरा पानी डालेंगे तो सब के सब गिर जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। तो गिलास डालने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। तो तथागत बुद्ध उनको समझाते हैं उपासक मैं भी तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब जब तुम धम्म देशना सुनने के लिए आए एकदम भागा भागा आते हैं, तुम्हारा मन स्थिर नहीं, तुम्हारा मन बेचैनी है, तुम्हारे इतने बेचैनी इतने अस्थिर मन में तुम कहाँ धम्म देशना सुन पाते, कहाँ धम्म देशना ग्रहण कर पाते। हाँ, जैसे सुनाया वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर से जाते हैं। तो समझो धम्म देशना सुनने के लिए कम से कम मन स्थिर होना है, मन शांत होना है। हम भी तो धम्म देशना सुन रहे हैं ना, तो हमारा मन शांत है, शांत है बोला ना, हो शांत है ना। हाँ, मन शांत होना चाहिए तभी धम्म देशना सुन पाएंगे। फिर केवल मन शांत होने से नहीं होगा, मन एकाग्र होना चाहिए। मन एकाग्र तो हमारा किसी न किसी बात पे होता रहेगा, ऐसे सामने देखते देखते अपने ही कल्पना में मन एकाग्र होता जाएगा। क्या 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 घर में खाना बनाने से लेके क्या 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 चीज में एकाग्र होता जाएगा। सामने देखेंगे भगवान बुद्ध बाबा साहब भंते, देखते देखते मन एकाग्र होता जाएगा। मगर मन एकाग्र किस बात में होना है, तम देशना सुनने में। और मन एकाग्र होने के लिए हमें श्रद्धा चित्त होना है। श्रद्धा चित्त बोले तो मन में विश्वास होना है। विश्वास किसके ऊपर, बुद्ध के, धम्म के, संघ के ऊपर। ये जो हम बुद्ध वाणी सुन रहे ये बुद्ध की वाणी है, बुद्ध के धम्म है। ये सुनने से, ये समझने से, ये अभ्यास करने से हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। ये विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं तो धम्म देशना सुनने से क्या मतलब है, कुछ मतलब है क्या।
उससे अच्छा टीवी में मनपसंद प्रोग्राम देखते, है ना, अच्छे अच्छे कॉमेडी देखते, मूवी देखते और मजा आ जाता। फिर धम्म देशना क्यों सुन रहे? क्योंकि ये बुद्ध वाणी है, क्योंकि ये धम्म देशना सुनने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, लाभदायी होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बुद्ध महामंगल का उपदेश देते समय कहते हैं, कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। जो समय समय पर धम्म देशना सुनते हैं ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर जो धम्म चर्चा करते हैं ये उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से नए नए अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। बुद्ध के समय में वो अनाथ पिंडिक महाजन कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ राजगिरी जाते समय बुद्ध से मिलते हैं, बुद्ध का उपदेश सुनते हैं, इतना प्रभावित होते हैं। ऐसे कल्याणकारी धम्म मेरे अपनों के पास भी लेके जाना है। फिर बुद्ध को बुलाने के लिए श्रावस्ती में एक बुद्ध विहार निर्माण करने का संकल्प लेते हैं और वो बुद्ध विहार के लिए जेत राजकुमार का बगीचा खरीद करने के लिए सोने का सिक्का जमीन में बिछा के वो जमीन खरीदते हैं। वहां भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनाते हैं। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देते हैं। उन समय में जब एक एक पैसे का गिनती होता था, लाख रुपए बोले तो बहुत हो गया, उसमें भी करोड़, वो भी 54 करोड़ दान खर्चा करके जेठवन बुद्ध विहार दान देते हैं। देखो धम्म देशना सुनने से उन्होंने इतना पुण्य किया, उनका कितना उपकार हो गया। आज के समय में अनाथ पिंडिक महाजन गुजर के कहां गया, और उनके जैसा या उनसे भी बहुत पैसे वाले मर के कहां गया हम याद नहीं करते, मगर जब भी दान की चर्चा होता है तब हम उपासकों में अनाथ पिंडिक महाजन का, उपासिकाओं में विशाखा महा उपासिका की चर्चा करते हैं। वो विशाखा ने भी उम्र के 7 साल बोले तो कितना, एक छोटे बच्चे उम्र के 7 साल में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोता प्रतिफल प्राप्त करती है विशाखा। बाद में जब उसका शादी होता है, उसके पिता ने एक गहना बना के उसको दिया था, घर से गहना देते ना वैसा गहना, और गहना इतना भव्य दिव्य था उन समय में ही 9 करोड़ का वो गहना, जिसे महालता प्रसादन कहते हैं, वो गहना बुद्ध को दान दिया, उसके पैसे से जमीन खरीदा, वहां भव्य दिव्य बुद्ध विहार बना दिया, भव्य उत्सव करते हुए बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वो पूर्वाराम बुद्ध विहार बना के दान दिया। उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा करके विशाखा ने वो बुद्ध विहार दान दिया। अभी केवल बुद्ध विहार दान दिया इसलिए उन लोगों का नाम लेते नहीं है, ऐसे दान देने वाले कितने राजा बिंबिसार वेणुवन बुद्ध विहार देते हैं, राजा सुद्धोधन निग्रोराम बुद्ध विहार दान देते हैं, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार दान देते, केवल बुद्ध विहार दान दिया इसलिए उन लोगों का चर्चा नहीं करते, बल्कि दान देने के बाद भी जिंदगी भर जितना हो बुद्ध धम्म संघ का सेवा करते रहे। ये विशाखा उपासिका, ये अनाथ पिंडिक महाजन अपने घर में हर दिन 500 लोगों के लिए, 500 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे, जलपान के समय में जलपान, भोजन के समय में भोजन, और श्रावस्ती में
ऐसे सामूहिक बड़े बड़े जो जो प्रोग्राम होते उसमें लीडर होते थे, उनके नेतृत्व में बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते थे। इतना इतना पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, आज भी हम दान का उदाहरण देते समय उनकी कहानी बताते हैं। तो धम्म देशना सुनने से ही उनका कल्याण हो गया, इसलिए बुद्ध कहते हैं असुतंग सुनाती, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। बार बार सुनने से सुतंग परियोदपेति, हमें कंठस्थ होगा। पंचशील माहिती है ना, पंचशील पता है ना, पंचशील का पहला शील क्या है, क्या है? पानाति पाता, मंजे प्राण हिंसा करायचे नाही, प्राण हिंसा नहीं करना। दूसरा चोरी नहीं करना। तीसरा काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। चौथा झूठ नहीं बोलना। पांचवा श्रापान सेवन नहीं करना। ये पांच शील हर गृहस्थ को पालन करना ही है। हमेशा हम शील प्रार्थना करते रहते हैं, चोरी नहीं करना। पंचशील का कितने शील है, ये कौन सा शील है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। झूठ नहीं बोलना कितने नंबर का शील है? चौथी है ना। श्रापान नहीं करना कितने नंबर का शील है? पांचवी। बार 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 धम्म देशना सुनने से इतना कंठस्थ होता है, कहीं से भी कुछ भी बोला, हाँ ये पहला शील, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, चार आर्य सत्य बोले तो पता है, हाँ पता है, क्या क्या है? दुख सत्य, हाँ दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है। त्रिलक्षण पता है, हाँ अनित्य दुख अनात्मा। चार ब्रह्म विहार पता है, हाँ मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। कम सिद्धांत पता है, हाँ पता है। प्रतिति समुत्पाद पता है, हाँ पता है। ये भी पता है, वो भी पता है, और कंठस्थ होता है। इसलिए बार 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 धम्म देशना सुनना जरूरी है। फिर बुद्ध कहते हैं मन के शंका उपशंका भी नाश होता है, मन के अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि भी दूर हो जाता है, और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। अभी हम क्या कर रहे हैं? धम्म देशना सुन रहे हैं। क्या धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी मंगल करते हैं? क्या सभी के जीवन में मंगल होता है? क्या लगता है, क्या लगता है? धम्म देशना सुन रहे हैं, बुद्ध विहार के अंदर है, धम्म देशना हो रहे हैं, हम धम्म देशना सुनने के लिए सामने बैठे हैं, क्या सभी ये उत्तम मंगल कर रहे होंगे? अगर यहां बैठे बैठे उसने मुझे यहाँ बैठने नहीं दिया, उसने मुझे वहाँ बैठने नहीं दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, यहाँ ध्यान से ऐसा सुन रहे और मन में वो चल रहा है, हो गया क्या मंगल? और मन में लोभ लालच उत्पन्न हो रहा है, अरे उसका गहना इतना अच्छा है, उसका ड्रेस इतना अच्छा है, ते मला पाहिजे, मुझे चाहिए, कैसे भी हो मुझे चाहिए। ऐसे अनेक किसी समय में कहीं पे कुछ देखा था, इतना अच्छा था, बस वही अभी यहाँ ध्यान से बैठा तो वो याद आ गया, और वही ख्यालों में ये इतना अच्छा है, मुझे तो चाहिए चाहिए, अब मैं कैसे उसे हासिल करूँ, मैं तो कुछ भी करूँगा, वो तो चाहिए चाहिए, ऐसा लोभ लालच करके बैठेंगे तो पुण्य होगा क्या? नहीं। धम्म देशना श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो ही उत्तम मंगल होता है। तथागत बुद्ध से कोई उपासक आके पूछते हैं, भगवान आपके यहाँ इतने सारे लोग धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? तथागत बुद्ध वही कहते हैं, नहीं, सभी के सभी दुख मुक्त नहीं हुए। तो वो व्यक्ति कहते आश्चर्य है भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे बुद्ध हो,
और धम्म देशना सुनने वाले इतने ध्यान पूर्वक सुनने वाले उपासक उपासिका हो फिर भी दुख मुक्त नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं होता है। भगवान बुद्ध अनेक उदाहरण द्वारा भी समझाते कि वो उपासक कोई प्रश्न करते आप कहाँ रहने वाले हो, मैं तो श्रावस्ती में रहने वाले, आप कहाँ से आके यहाँ रहे हो, हम राजगिरी से आके, तो आपको राजगिरी आने जाने का रास्ता पता है क्या? हाँ पता है। जब पता चला आप राजगिरी आते जाते रहते, आपसे कोई आके पूछते कि नहीं श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता क्या है? हाँ पूछते हैं। आप बताते हो क्या? क्यों नहीं बताना, खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाने, वहाँ से वैसे जाने, वहाँ गांव आएगा, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ से ऐसे मुड़ना, वहाँ से वैसे मुड़ना, श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का पूरा रास्ता अच्छे से बता देता हूँ। फिर बुद्ध पूछते है, वो पूछने वाले सभी के सभी राजगिरी पहुँच जाते हैं क्या? उपासक कहते भगवान ऐसे कैसे पहुँचेगा, केवल रास्ता पूछने मात्र से, केवल रास्ता जानने मात्र से थोड़ी ना पहुँचेगा, उस हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे उन लोगों को चलना पड़ेगा, जब तक नहीं पहुँचे तब तक जाना पड़ेगा, तभी पहुँचेंगे, ऐसे कैसे पहुँचेंगे। तथागत बुद्ध कहते मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, तम्म देशना सुनने वाले खूब अच्छे से सुने, ध्यान पूर्वक सुने और प्रसन्न हो, आहा कितना अच्छा धम्म देशना करके जाए और घर जाने के बाद सब भूल भाल के अपने ही काम में लगे, अपने ही बोली में लगे, अपने ही सोच में लगे, जो बोलना है वही बोलेगा, जो करना है वही करेगा, जो सोचना है वही सोचेगा, तम्म देशना बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। और ऐसे लोग कितने भी धम्म देशना सुनते रहे, कितने भी धम्म देशना प्रोग्राम करते रहे, क्या वो लोग दुख मुक्त हो पाएंगे क्या? हो पाएंगे क्या? नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं केवल धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। तम्म देशना सुन के, तम्म देशना समझ के अच्छे से अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे तो ही दुख मुक्त हो पाएंगे, और वो भी परिपूर्ण रूप से धम्म का पालन करना पड़ेगा, तभी दुख मुक्त हो पाएंगे। अतः बगा आज पूर्णिमा के दिन हम गए चार भंते लेके गाड़ी में खाम गांव बुल्लाना में पूर्णिमा के प्रोग्राम के लिए गए। अभी वहाँ इतना दूर, अभी ये वहाँ हमारे उपासक का फोन आया, भंते जी आपको आना है, शाम को भी चलेगा, आना है तो ठीक है। हम वहाँ से जल्दी जल्दी कार्यक्रम करके टाइम देख के 4 बजे वहाँ से निकले। हाँ तो निकल निकल के हम जालना तक पहुँचे, और जालना में तो अरे यहाँ तो बहुत ट्रैफिक हो गया, जाओ दिया यहीं रुकेंगे, अगर वहाँ रुक जाते तो यहाँ पहुँच जाता क्या? नहीं, वो ट्रैफिक भी धीरे धीरे पार करते करते फिर सामने से आया, आते आते वहाँ बीच में पहुँच गया, अरे इतना दूर आ गया, बस हो गया ना करके हम सभी वहीं चाय वाय पी के मस्त बैठेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे क्या? नहीं। फिर और नज़दीक आ गया, देखता हूँ तो लोकेशन मैप भी नहीं भेजा, लोकेशन मैप भेजा तो घर से बुद्ध विहार पहुंचने का 1 मिनट का लोकेशन मैप भेजा, तो उनको लोकेशन मैप भेजो बोल रहा हूँ, लोकेशन मैप नहीं। अभी हम पहुंचे अपने एयरपोर्ट के सामने अपने जगह पे, सारे भंते पहुंच गए, फ्रेश हो गए, अभी लोकेशन मैप नहीं है तो क्या करेंगे, हाँ बहुत थक गया करके हम वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुँचते क्या? नहीं। फिर उपासक से बात किया तो वो मैदान में आओ, मैदान में तो प्रोग्राम भी किया हमने 14 अप्रैल का क्या क्या, हाँ वो मैदान तो पता है तो वहाँ लेने भेजेंगे, बोले वहाँ आके बैठा, अभी वहाँ आके बैठा, हाँ उपासक आया ही नहीं करके मैं वहीं से वापस जाता तो पहुँच जाता क्या? नहीं। वो सारा करने के बाद गाड़ी वहीं रुका के दूसरे गाड़ी में यहाँ बैठ के यहाँ पहुँचा, तभी ये बुद्ध विहार में पहुँचा। मतलब वहां से यात्रा करके जब तक यहाँ नहीं पहुंचे
तब तक मुझे यात्रा करते रहना है, जब यहाँ पहुंचूंगा तभी परिपूर्ण होगा। तम का भी ऐसा ही है उपासक उपासिकाएं, दान देना है ना, देना चाहिए कि नहीं? ओ देना चाहिए। हाँ, हमने वर्षावास समापन के दिन अभी दान दिया, अभी एक साल तक दान ही नहीं देंगे, हो गया क्या? दान तो देते हैं ना, दान देते कि नहीं देते? कब दिया? हाँ, वर्षावास समापन में हमने चीवर दान दिया, हो गया। अभी आगे से दान नहीं देंगे तो हो गया पालन? नहीं। शील पालन करना चाहिए कि नहीं? हाँ, शील पालन करना चाहिए। शील पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? कब शील पालन किया था? हाँ, वर्षावास के समय में हमने खूब अच्छे से शील पालन किया, हो गया क्या? आगे पालन नहीं करना? आज प्रोग्राम किया, आज के दिन ही शील पालन करना क्या? कल से किसी को भी मार सकते, कहीं भी चोरी कर सकते, काम मिथ्याचार व्यभिचार कर सकते, झूठ बोल सकते, दारू नशा पी सकते? नहीं ना। तो हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी पालन करना नहीं है। तम का जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक पालन करना है उपासक उपासिकाएं, कभी कभी नहीं, निरंतर अभ्यास करना है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हर कोई इस दुनिया में पुण्य कार्य नहीं कर सकते। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। सबसे पहला ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। दुर्लभ वो है जो बहुत कम मात्र में मिलता है। अभी हम सिटी में रहने वाले, ट्रैफिक देख के कहाँ दुर्लभ जन्म याद आता है ना? दुनिया में इतने प्राणी जातियां हैं, कितने हम जानते भी नहीं, इतने प्राणियां हैं। और ये चीटी भी देखेंगे ना, एक जंगल में इतना चीटियां मिलेगा, दुनिया भर के इंसान एक तरफ और वो चीटियां एक तरफ किया तो चीटियां ही ज्यादा होगा। और ऐसे जंगल इस पृथ्वी में कितना है, एक जाति चींटी भी इंसान से इतना ज्यादा संख्या में है। तो बाकी प्राणियां तो कितने, पानी में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में रहने वाले कितने प्राणी। इन सारे प्राणियों में मनुष्य जीवन बहुत ही कम है, दुर्लभ है। और इतने दुर्लभ प्राणियों में पुण्य करने वाले, तम करने वाले केवल और केवल इंसानी है। इंसान छोड़ के किसी ने पुण्य किया धम्म किया पता है क्या? जंगल के राजा शेर पुण्य कर सकते हैं? इंसानों के साथ रहने वाले कुत्ता बिल्लियों ने धम्म का कार्यक्रम किया, पुण्य किया, कभी सुना है? वो लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। केवल और केवल इंसान ही है जो पुण्य कर सकता है, धम्म कर सकता है। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणियां, जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग पुण्य नहीं कर सकते। और रहा इंसान पुण्य तो कर सकते हैं क्या? सभी पुण्य करते हैं क्या? दुनिया में बहुत कम है जो अच्छे धम्म जानेंगे, बहुत कम है जो धम्म को समझ के पालन करेंगे। इंसान होके भी अभी जंगल में जन्म हुआ, आदिवासियों में जन्म हुआ, पूरा पहाड़ों में जंगलों में वो एकदम हिमालय में ऐसे में जन्म हुआ, मतलब खाने पीने के लिए जीवन जीने के संघर्ष में पूरा जीवन जाएगा, कहाँ धम्म करेंगे, कहाँ पुण्य करेंगे, कर पाएंगे क्या? हर कोई पुण्य नहीं कर पाते। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही है कि हमें बुद्ध मिला, धम्म मिला, संग मिला। ऐसे धम्म मिला जहाँ हम थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना
ढेर सारा पुण्य मिलता है। थोड़ा दान देंगे बहुत सारा उसका परिणाम आता है, थोड़ा शील पालन करेंगे बहुत सारा परिणाम आता है, थोड़ा भी ध्यान साधना करेंगे बहुत सारा पुण्य धम्म मिलता है। ऐसे धम्म हमें मिला है और ऐसे धम्म मिलने वाले बहुत कम है। जो ये धम्म ग्रहण करने वाले बहुत कम है, वो कम में हम तो है, हमने तो धम्म ग्रहण किया, परंतु ये धम्म को जान के समझ के पालन करने वाले कितने लोग हैं? बहुत ही कम है। इसलिए दुर्लभ जीवन में इतना दुर्लभ धम्म मिला है, उसको समझ के पालन करने वाले बहुत ही कम है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहीं लेके जाते हैं और वहाँ अपने नख में थोड़ा सा धूल लेके भगवान बुद्ध भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल है? हाँ, पृथ्वी में। सारे भिक्षुगण कहते भगवान आपके नख में क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो अच्छे धम्म ना जानने वाले, अच्छे धम्म ना समझने वाले पृथ्वी में पड़े धूल समान है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के समझ के अभ्यास करने वाले पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म जानने के बाद भी पालन करने वाले कितने रहते? सबको पता है धम्म करना चाहिए, फिर भी करना आसान नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं बहुत ही कम है पालन करने वाले। फिर तथागत बुद्ध अंत में कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाले, परिपूर्ण होके जीवन को धन्य धन्य बनाने वाले, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करने वाले, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत ऐसे मार्ग फल प्राप्त करने वाले बहुत ही कम है। हम कहां पे है? हम अच्छे धम्म जानते हैं कि नहीं? बगा दुर्लभ जीवन प्राप्त हुआ है, बाबा साहब की पुण्याय अच्छे धम्म भी हमें प्राप्त हुआ है, अभी वो अच्छे धम्म को हम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। वो अच्छे धम्म को पालन करते हैं कि नहीं? करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो पालन करते हैं। तो अच्छे धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हाँ निरंतरता से करते जाना चाहिए। दान हो, शील हो, ध्यान साधना हो, धम्म देशना हो, सेवा करना हो, सम्मान करना हो, जो जो पुण्य है निरंतर करते जाना है। ऐसा करेंगे तो ही धम्म हमारा कल्याण करेगा, केवल धम्म के पीछे पीछे लग के हमारा कुछ होने वाला नहीं है। बुद्ध बुद्ध बने तो बुद्ध ही बने ना, बुद्ध दुख मुक्त हुए तो वही दुख मुक्त हुए ना, हम उनको देखते रहेंगे और कुछ न करेंगे तो हमारा क्या कल्याण, कुछ कल्याण होगा क्या? नहीं। जिसने बुद्ध को जाना उसका भी वही हालत, जिसने बुद्ध को नहीं जाना उसका भी वही हालत। अगर हम बुद्ध को जान के अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे तो ही तो हमारा कल्याण होगा, नहीं तो इतना अच्छा धम्म मिलने के बाद भी क्या ही फायदा होगा,
ये बात ध्यान रखना। बुद्ध बार बार कहते तुम में ही की चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग बताता है, ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, करना हमें ही है, चलना हमें ही है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। इसलिए जागो, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे समझो। अच्छा कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो निश्चित रूप से बुरा ही होगा। हमने पहले अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना मनुष्य जीवन मिला है, शहरों में रहने को मिला है, भगवान बुद्ध को जानते हैं, धम्म को जानते हैं, संघ को जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, बहुत अच्छा हो गया। अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ गलत किया था, पाप किया था, इसलिए अभी रह रह के दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, पीड़ चिंता तनाव आ रहा है। अब भी पाप करेंगे तो आगे जाके भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, अशांति आएगा। जो जैसा करेंगे उसको वैसा ही मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, हमें सुख चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। जितना जल्दी हम ये बातें समझेंगे उतना हमारा कल्याण होगा, हम खुद खुद के लिए पुण्य करते करते जा पाएंगे। हाँ, फिर एक बार यही कामना करते हैं कि हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतो सप्त मंगलं, साधु साधु साधु। तम देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, तम का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबेतयो विवजन्तु सबरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता, सबबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता, सबधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, भवतु सबमङ्गलं रक्षन्तु सबदेवता, सबसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते, एचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु, सबे पुरयन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसूयता, आयु आरोग्य सम्पाति सर्गसम्पातिमेव च, अतो निब्बान सम्पाति हिमिनाते समेजतो। साधो साधो साधो, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।